सवेरे सवेरे भैया सो के भी नहीं उठे थे, भैया की आए इन्हीं की लड़की जो है इन्हीं के यहाँ शायद की हुई थी, लापता है ये लोग बता रहे हैं, लापता। अब ये लोग बता रहे हैं कि शायद ये लोग मार दिए हैं। अब इस चीज़ को अभी हम खुले में नहीं कह सकते हैं। अब ईश्वर न करे कि उस बहन बेटी के साथ कुछ गलत हुआ हो और हमें बहुत बुरा बनने पर मजबूर न किया जाए। अगर लड़की पक्ष वाले देख रहे हैं तो जितनी जानकारी यहाँ हो सके लड़की की, इनको जानकारी पूरी प्राप्त कराया जाए। आप दोनों भाई मिल के चौकी में आइए, जो भी थाना है आपका नज़दीकी, और आके पूरा उसको जो है पूरा ब्यौरा जो भी कुछ हुआ है बताएं। और नहीं तो भैया कल से भगवान जाने हम का करब, भगवान ना जानते हम का करब, रास्ता भूल जात जाबे। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद। क्या मामला है जो अभी आप हड़िया कोतवाली थाने में आए हुए हैं? हमारे लड़की को जो है 9 तारीख को रात को लापता कर दिए। कौन कर दिया? उनका आदमी, घर वाले सब मिलके। आपकी लड़की के पति? हाँ। ये सूचना आपको कब मिली कि वो आपकी लड़की को गायब कर दिया? 8 बजे। सूचना किसके माध्यम से मिली थी आपको, मतलब कौन दिया था सूचना? अगुवाइन दी, जो अगुआ है। अच्छा अच्छा। उसके बाद आप लोग वहाँ उसके घर पे गए? सुबह गए फिर। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ, कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ पे? हम लोग गए पूछताछ के तो बोले लड़की तुम्हारी भाग गई है। बोला लड़का लेके आओ, लड़का लेके आओ, तो लड़का भी नहीं दिखाई। हाँ, मतलब आपकी लड़की का जो लड़का, जो बच्चा था? हाँ, जो बच्चा था उनको नहीं दिखाए हम लोग को। हाँ। बोले जो है वो 10,000 रुपये नगद, 2.5 लाख की रकम लेके यहाँ फरार हुई 11 बजे दिन में, चूड़ी पहनने के बहाने। आपकी लड़की के ऊपर आरोप है? आरोप है। कितना पैसा? 10,000। 10,000 रुपया, 2.5 लाख का गहना? गहना। इतना लेके आपकी लड़की फरार हो गई, और ये आपकी लड़की के ऊपर आरोप लगाया उसके पति ने? पति ने। हाँ। तो उसके पति के जो उसके परिवार वाले हैं उन लोगों से बात हुई आपकी? नहीं हुई। तो अभी आप अपनी लड़की को ढूंढ रहे हैं या नहीं? नहीं ढूंढ रहे हैं। तो थाने पे तहरीर दिए हैं? दिए हैं। तो थाने से क्या कार्रवाई हुई है? थाने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब तो मार बैठे हुए साहब लोग। तो अभी आप आए हैं कोतवाली में, तो यहाँ पे अभी किस क्या काम से आए हैं, किस कारण आए हैं? इस कारण आए, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हम 3 दिन से रातों दिन दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई कोई सोचना नहीं हमको मिल रही। उनसे नहीं पूछे कि आपकी लड़की जो है, जो लड़का लेकर गया है, उन्हीं के गांव का था या और कहीं का गया था? ये तो नहीं बता रहे, दूसरे जगह बता रहे उसको। हम लोग क्या जानो, हम लोग को कभी सोचना दिए नहीं। अच्छा। तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे कर रही, सोचना देते तो हम लोग को मालूम पड़ता। कुछ पूरा आता है कि हमारी लड़की को मार के फेंक दिए। अच्छा। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रदय चौहान भटौरा। क्या नाम है आपका? चंद्र उदय चौहान भटौरा। चंद्र उदय चौहान। जो लड़की अभी गायब हुई है इनकी बता रहे हैं सुभाष चंद की, क्या लगती है आपकी? हमारी मतलब भाई की लड़की है, नहीं बेटी ही लगेगी। अच्छा, आपके भाई की लड़की है और बेटी लेगी। उनका चाचा है। तो आप भी इसी मामले में कोतवाली में आए हुए हैं? हाँ, ये कोतवाली में आए। जी जी जी। तो अभी दरोगा जी से बात हुई आपकी? दरोगा से बात हुई है, बोल रहे हैं कि मतलब हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करने के बाद ही जो है हम सारा मतलब आगे कार्यक्रम करेंगे। FIR दर्ज हुआ है कि नहीं? FIR दर्ज नहीं हुआ है, लेकर गए थे जमा कर लिए। हाँ, लेकिन दर्ज भाई अभी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी दर्ज नहीं हुआ है। कितने तारीख का मामला है ये? ये मामला है 9 तारीख जो है वो लोग मारे हैं। हाँ। बाकी हम लोग 11 को गए थे, लड़की के घर 12 तारीख को गए थे, लड़की के घर 11 तारीख को गए थे। 9 तारीख का मामला है, 10 को आप लोग घर पे थे, 11 को गए। बताए थे शाम को, उसके बाद आप लोग थाने पे गए। जी जी जी। तो थाने पे तहरीर दे दिए हैं? जी। और आपका भी जो है तहरीर नोट नहीं की गई है? ना ना, कुछ नहीं हुआ। और दरोगा जी कह रहे हैं कि जांच हो रही है। हाँ, बस तो जांच किस मुद्दे पे हो रही है, आप लोगों को पता है कि किस मुद्दे पे जांच कर रहे हैं वो लोग? नहीं, हम लोग क्या मालूम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस हम लोग तो भाई यही है। वो लोग बोलते हैं कि हो सकता है भाई जो है कहीं लड़की गई आ जाएगी, लेकिन हमें क्या मालूम, हमको तो ये मालूम है कि भाई हमारी लड़की नहीं है तो ये लोग मार डाले हैं। उसके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं लड़के के?
अब उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई 9 बजे जो है वहाँ से सच बज रही थी, इसके बाद जो है 12-1 बजे चूड़ी पहनने के बहाने वो चली गई। कभी ऐसा मामला आया था कि आपकी लड़की इधर उधर कुछ चलती है? ना कभी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, सुनने को नहीं मिला। ना कभी नहीं। तो क्या लगता है कि माननीय योगीनाथ की जो सरकार है इसमें न्याय मिलेगा आपको कि नहीं? न्याय तो मिलेगा, न्याय तो मिलेगा लेकिन समय लगेगा भाई, हम लोग परेशान है। प्रशासन आपकी मदद कर रही है या नहीं? भाई प्रशासन मदद करेगी लेकिन अभी तो कुछ नहीं किया है। करेगी पर अभी कुछ नहीं किया। अभी कुछ नहीं किया है पर आपको विश्वास है कि मदद होगी? हाँ विश्वास पूरा है कि मदद करेगी हमारी। आपका क्या नाम है भाई साहब? राजू सिंह। क्या नाम है? राजू सिंह चौहान। राजू सिंह, लड़की के क्या लगते हैं आप भाई? लड़की का क्या नाम था? लता सिंह। लता सिंह, लता सिंह के आप भाई हैं। आपको कब सूचना मिली कि आपकी बहन है जैसा वो लोग बता रहे हैं कि किसी के साथ चली गई है? वही 10 बजे रात। 10 बजे रात को। फिर आप लोग साथ में गए और 2-3 दिन से थाने पर दौड़ रहे हैं। तब फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक? तो कोई नहीं कार्रवाई। दरोगा जी क्या बोल रहे हैं? अभी बोले गए थे 2 दिन बाद, फिर बोले हैं कल आने के लिए। फिर कल बुलाते हैं पर कुछ होता नहीं है। योगीनाथ की सरकार में न्याय मिलेगा आपको? मिलेगा विश्वास है आपको? मित्रों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हड़िया कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और इस वक्त कोतवाली बगल में है और ये बगल में सब भाई साहब थे तो मिल गए तो हम बयान इनसे ले लिए। फिलहाल ये पूरा मामला हड़िया कोतवाली थाना क्षेत्र का है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।